चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दरअसल चौक, जिसका इस्तेमाल हमेशा से ही शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होता रहा है, उसी चौक पर चंडीगढ़ के एक स्कूल टीचर ने गजब की कलाकृतियां बनाने में महारत हासिल कर ली है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। जिसका इस्तेमाल हमेशा से शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होता रहा है, लेकिन क्या चौक आर्ट के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है चंडीगढ़ के बलराज सिंह, जिन्होंने उस समय पर चौक पर कार्विंग करना शुरू किया जब लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। वो सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। इसके साथ ही एक चौक आर्टिस्ट के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है, जिसने उन्हें न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को दिखाने का मौका दिया। और साथ में मैं एक अलग शौक रखता हूँ, जो चौक के ऊपर, जो चौक हम स्कूल में यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाने का काम भी मैं करता हूँ। बलराज सिंह चौक पर गजब की कारीगरी करते हैं। ये कारीगरी वो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं और उन्होंने अब तक 350 से अधिक सूक्ष्म कलाकृतियाँ बना दी हैं। और ये तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। यहीं चंडीगढ़ में ही मैं जॉब करता था उस टाइम दौरान, स्कूल में ही फ्री टाइम में बैठे बैठे ये एक खाली छोटा चौक का टुकड़ा था मेरे पास और खाली पेन था, उस पेन के साथ मैंने ये कार्विंग करनी स्टार्ट की और एक फेस बना पहली बार। उसके बाद फिर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, पूरी बॉडी, ह्यूमन फिगर, मेल फीमेल, या फिर किसी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती कलाकृतियाँ, कोई अलग डिज़ाइन, फ्लावर पॉट हो गया, रोज़ हो गया, या फिर जो भी मतलब एक कलाकृति के रूप में हम चौक के ऊपर काम कर सकते थे, वो मैंने करने की कोशिश की। चौक पर कलाकृतियों को बनाने का आइडिया उन्हें एक दिन तब आया जब वो स्टाफ रूम में बैठे थे और उनके सामने एक चौक का टुकड़ा पड़ा था। उन्होंने वो चौक का टुकड़ा उठाया और पेन से उस पर नकाशी करने लगे। जब साथियों ने उस नकाशी को देखा तो उसे खूब सराहा। तब से वो लगातार चौक पर नकाशी करते आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।